हेगा इज वो टुडे वी विल डिस्कस द एंशियट हिस्ट्री ओके सो आई एम गोनाट स्टार्ट द एंशियंट हिस्ट्री सीरीज सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ एंशियंट हिस्ट्री इन विच वी विल डिस्कस द इंट्रोडक्शन द बेसिक इंट्रोडक्शन ठीक है इसमें बिल्कुल हम बेसिक्स पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री की एंड स्टेप बाय स्टेप वी विल कम्प्लीट द होल एंशियंट हिस्ट्री

एंड देन चालकोलिथिक एज जिसमें कोपर आया आपका कोपर डिस्कवर हुआ एंड आफ्टर दैट आई वी सी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन देन आर्यन और वेदिक एज इन विच ऋग्वेदा कम देन लेटर वेदिक एज इन विच अदर रिमेनिंग वेदास कम लाइक सामवेद यजुर्वेद अथर्वेद ओके एंड सो मैनी उपनिषद्स एट्सेट्रा ओके

Then after that, Sunga dynasty, Kanwar dynasty in Deccan. There are Satvahanas, and after the Moran Empire, there was a, there were foreign invasions of Bactrians, Sakas, Kushans. After Kanwar dynasty, Gupta Empire came in, and in the south there was a Sangam age in which Cholas, Cheras, and Pandyas. So we will discuss it one by one. So I have used so many abbreviations because the basic motive of this video is to make a gist. Okay, so I just compress the whole information in less words so that you can grasp the information very easily and make the very crisp notes. Okay, so without wasting any time, let's start. So subsequently, Ancient India. तो भारत में जो है इंट्रोडक्शन आज पढ़ेंगे बेसिक्स पढ़ेंगे भारत का जो है नामकरण कैसे हुआ तो भारत को जो है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है यानी लैंड ऑफ भारत ठीक है तो आपको बता दें कि जब भारत आज़ाद हुआ था जब भारत का नाम लिखा जा रहा था तो उस वक्त जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच में जो है डिबेट चल रही थी कि नाम क्या रखें देश का इंडिया रखें या भारत रखें तो आपको पता ही है कि आर्टिकल वन जो पॉलिटिक है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें जिसकी हेडिंग है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने फिर आ, देखा कि हमें जो है दोनों नाम रखने चाहिए इंडिया भी रखना चाहिए और भारत भी रखना चाहिए ठीक है क्योंकि कुछ ने भारत सुझाया था नाम और कुछ ने जो है इंडिया सुझाया था तो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल वन में दोनों नाम लिखे हुए हैं इंडिया दैट इज़ भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स ठीक है नाउ द क्वेश्चन इज कि इंडिया किस नाम पे पड़ा और भारत किस नाम पे पड़ा इंडिया नाम पड़ा इंडस रिवर के नाम पे ओके इंडस रिवर जिसको प्राचीन काल में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था संस्कृत भाषा में तो जब इरानियंस और ग्रीक्स आए भारत में दे यूज टू कार्डस एज हिंदोस ओके हिंदोस हिंदोस मीन्स अ लैंड ईस्ट ऑफ रिवर यानी कि ये जो रिवर थी आपकी इनफैक्ट अभी है सॉरी तो इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड है वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या बोलते थे हिंदोस तो हिंदुस्तान हिंदूज वर्ड जो है यहाँ से निकला ठीक है हिंदू इज़ नॉट नॉट एनी रिलीजन ठीक है आपको बता दें जानकारी के लिए हिंदू जो है बेसिकली एक जोग्राफिकल आइडेंटिटी है ओके तो ईरानियंस जैसे कि साइरस हो गया डेरियस हो गया जर्गिस हो गया ओके ग्रीक्स जैसे कि अलेक्जेंडर ठीक है तो इंडिया नाम पड़ा इंडस रिवर के नाम पे ओके और भारत नाम पड़ा भारत आपका बता देते हैं नाम कैसे पड़ा विश्वा और मेनका की शादी हुई मेनका याद है जिसने तपस्या भंग की थी विश्वामित्र ये विश्वामित्र वही हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र लिखा जो कि आप पढ़ते हैं ठीक है डेली आप जिसका जाप करते हैं तो विश्वामित्र और मेनका की शादी हुई और उनकी जो बेटी थी उसका नाम था शकुंतला ठीक है और शकुंतला की शादी हुई दुष्यंत के साथ और इनका जो बेटा था उसका नाम था भरत ठीक है भरत जो था वेरी ब्रेव गाय और भरत के नाम पे जो भरत के कबीले के लोग थे उनको क्या कहता था भरतास और जो वहाँ के लोग थे उनको कहते थे भरत संताती इसी के नाम पे पड़ा भरत तो भारतवर्ष नाम भी जो है इसी के नाम पे पड़ा भारतवर्ष में लैंड ऑफ भारत लैंड ऑफ भरत ओके जो कि दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था आपने बुक का नाम भी सुना होगा अभिज्ञाना शकुंतलम वो शकुंतला के ऊपर ही लिखी गई है दुष्यंत और शकुंतला के ऊपर ओके जो कि कालिदास ने लिखी गई है ठीक है इसके बारे में ऋग्वेद के अंदर मेंशन है कि किस तरह इंडिया का नाम भारत पड़ा ओके okay. तो सबसे पहला हमने पढ़ा भारत का नामकरण कैसे हुआ ठीक है इंडिया का नामकरण कैसे हुआ उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्लूज ऑफ़ पास्ट यानी पास्ट की क्लूज हमें कैसे मिलते हैं तो उसके दो मेथड हैं एक है डीएनए सीक्वेंसिंग, एक है कार्बन डेटिंग जो कि मोस्ट फेमस वन इज द कार्बन डेटिंग ठीक है ध्यान रखेंगे तो अब क्लूज़ कैसे कैसे मिले हमें पास्ट के जैसे कि बुक्स मिली हमें मनु स्क्रिप्ट जिसको हम मनुस्मृति भी बोलते हैं ठीक है इसका नाम मनुस्मृति इसलिए दैट वाज रिटन बाय द मनु मानव धर्म शास्त्र के बारे में लिखा हुआ है ठीक है आपके जो भी अभी आप आई पी सी सी आर पी सी वगैरह पढ़ते हो ठीक है उसमें सिविल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सब पढ़ते हो तो मानव धर्म शास्त्र में जो है सभी कानून लिखे हुए थे थी, ठीक है किस तरह से आ, क्या कानून है किस जुर्म की क्या सजा ये सब लिखा होता था, था मनुस्मृति में ठीक है तो अंग्रेज लोग जब भारत आए तो उन्होंने मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया और कई बार पूछा गया एग्जाम में कि मनुस्मृति को ट्रांसलेट किया गया और किस में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट किया गया और उसका नाम रखा गया अ कोड ऑफ जेंटू लॉज ओके और कई बार पूछा हुआ है कि किसने ट्रांसलेट किया द आंसर इज सर विलियम जॉन्स ठीक है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि दुष्यंत और शकुंतला के नाम पे उनके बारे में जो है एक बुक लिखी गई जिसका नाम था अभिज्ञानम शकुंतलम ठीक है इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट किया सर विलियम जॉन्स ने ठीक है जैसे कि लिखा हुआ है इट वाज अ ड्रामा रिटर्न बाय कालीदास अ वेरी फेमस पॉइंट ठीक है आपको जानकारी के लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं कि 1927 यानी 21 दिसंबर 1927 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है मनुस्मृति जलाई थी ये देख सकते हैं मनुस्मृति जलाई गई क्यों ना तो क्वेश्चन इसकी बी आर अम्बेडकर साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई उसका कारण क्या है 21 दिसंबर 1927 को महड सत्याग्रह किया गया किसके द्वारा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा कई बार क्वेश्चन आया हुआ महड़ का मतलब वो महड जाति से थे ठीक है बी आर अम्बेडकर साहब तो महड सत्याग्रह जिसको हम मनुस्मृति दहन दिवस भी बोलते हैं ठीक है कई बार क्वेश्चन आया हुआ और ये किस नाउ द क्वेश्चन इज कि इन्होंने जलाई क्यों दिस वॉज डन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिलीजियस आइडियल दैट एडवोकेट अनटचेबिलिटी अगेंस्ट द लोअर क्लासेज क्योंकि इसमें जो सिद्धांत लिखे हुए हैं जो धार्मिक सिद्धांत लिखे हुए हैं जो ये एडवोकेट करते हैं कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस वो भी किसके खिलाफ लोअर क्लासेस के खिलाफ यानी शेड्यूल कास्ट लोअर क्लास के खिलाफ ठीक है इस वजह से जो है इन्होंने मनुस्मृति को जलाया ओके okay. आगे बढ़ते हैं कि पास्ट के क्लूज हमें कहाँ से मिलते हैं जैसे कि बुक्स में मेंशन है कुछ चीज़ें क्वाइंस देखते हैं हम बहुत सारे पोट्री के बारे में पढ़ते हैं पेंटिंग स्कल्पचर यूटेंसिल्स यानी बर्तन वेपन्स ऑर्नामेंट्स पोट्री वगैरह ठीक है नौ तो क्वेश्चन है उसके बाद आती हैं डेट्स ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी दो चल रहा है तो दो मतलब फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट यानी जब से जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है उसके बाद कितने साल हो चुके हैं 2022 साल ठीक है बी का मतलब यहाँ पे क्या है बी आपने देखा होगा डेट्स में यूज होता है पुरानी डेट्स में यूज होता है जिसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा ठीक है और ए डी अनोडिनी जिसको अभी आज कल हम कहते हैं कॉमन एरा सी ठीक है एक और इन्फॉर्मेशन बताई हुई है यहाँ पे कि विल विल्किंस ने जो है भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था तो यहाँ पे आपको तीन इन्फॉर्मेशन मिल गई एक्स्ट्रा एक तो बी आर अम्बेडकर साहब की महड़ सत्याग्रह से रिलेटेड दूसरी सर विलियम जॉन्स ने जो है मनुस्मृति को भी ट्रांसलेट किया था कोड ऑफ जेंटू लॉज में और अभिज्ञाना शकुंतलम को भी ट्रांसलेट किया था और दूसरा विल्किंस ने जो है भगवत गीता को ट्रांसलेट किया था अंग्रेजी भाषा में ठीक है आगे चलते हैं उसके बाद कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं टर्म्स जैसे कि वेरी फेमस टर्म्स चक्रवर्ती आपने सुना होगा ना चक्रवर्ती सम्राट अशोक तो चक्रवर्ती का मतलब क्या था चक्रवर्ती उस राजा को कहा जाता था जिसका एम्पायर जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक वेस्ट से लेके ईस्ट तक जो है फैला होता था ठीक है फॉर एग्जाम्पल चक्रवर्ती एंशियंट टाइम में किस किस को कहा गया एक अशोक को कहा गया दूसरा समुद्रगुप्त को कहा गया और तीसरा पुल्ल को कहा गया अशोक को किस लिए कहा गया क्योंकि अशोक का एम्पायर देख सकते हो एक्सेप्ट एक्सट्रीम साउथ एक्सट्रीम साउथ को अगर हम छोड़ दें तो पूरे भारतवर्ष पे जो है कब्जा किया था आप देख सकते हो पाकिस्तान का एरिया भी है इसमें और इसमें जो है अफगानिस्तान का एरिया भी है ये गांधार ठीक है इसको कहते हैं अखंड भारत अतुल्य भारत ओके अशोकाज एम्पायर एक्सेप्ट एक्सट्रीम साउथ तो ये आप ध्यान पे रख सकते हो कि कौन सा एरिया जो है अशोक की टेरिटरी से बाहर था उसके बाद हमने बताया समुद्रगुप्त गंगा टू तमिलनाडु तो समुद्रगुप्त का जो एरिया है एक्सेप्ट डेक्कन प्लेट्यू एरिया आप ये देख सकते हैं डेक्कन प्लेट्यू के एरिया को छोड़ के जो है समुद्रगुप्त का सारा एरिया था ठीक है तो समुद्रगुप्त को भी जो है चक्रवर्ती के नाम से जाना जाता था चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी उसके बाद है पुल किशिन ने जो है हर्षवर्धन नाम के राजा को जो है डिफीट किया था पुल केशन एक चालुक्य किंग था चालुक्य डायनेस्टी का था इसने हर्षवर्धन को मार दिया हर्षवर्धन का एम्पायर देख सकते हो आप पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ ठीक है यहाँ चालुक्य डायनेस्टी तो पुल्ल ने इसको डिफीट कर दिया जिस वजह से उसका एम्पायर जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया पुल केशन का ठीक है तो इसको भी चक्रवर्ती की उपाधि दी गई ठीक है उसके बाद बारी आती है सबसे पहली भाषा कौन सी बोली गई प्राकृत लैंग्वेज ठीक है जिसकी स्क्रिप्ट क्या थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट जो कि मेंशन है अशोक का इंस्क्रिप्शन अशोक की जो शिला लेख है शिलाएं हैं उसमें मेंशन है आपको अशोक की पिलर की स्क्रिप्ट दिखाता हूँ इसको बोलते हैं ब्रह्मी स्क्रिप्ट ब्रह्मी स्क्रिप्ट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट किसने सबसे पहले डिसाइवर की थी यानी किसने जो है इसको ट्रांसलेट किया था द आंसर इज जेम्स प्रिंसेप याद रखना जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ट्रांसलेट किया था ओके okay, तो सबसे पहले प्राकृत लैंग्वेज उसके बाद आई थी संस्कृत लैंग्वेज याद रखना संस्कृत लैंग्वेज कई बार पूछा होगा कि किस पीरियड में जो है प्रोमिनेंट थी ठीक है गुप्ता पीरियड जिसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ठीक है क्यों है वो हम जब गुप्ता पीरियड डिस्कस करेंगे उसमें जो है आपको बताएंगे ठीक है तो आज की जो वीडियो थी हमारी इंट्रोडक्शन की थी तो नेक्स्ट वीडियो जो सी होगी हमारी वो होगी आपकी एज से रिलेटेड जिसमें हम जो हैं आपको स्टेनोजीज़ के बारे में बताएंगे। सो so अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें ताकि हम लोग इसमें और ज़्यादा सुधार ला सकें ठीक है और आपके लिए जो है और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे